जिज्ञासा। पंच परमेश्वर के आदेश अनुसार सती चरित्र आपकी सेवा में सादर समर्पित। माता अनुसुईया का सतीत्व देखकर देवी सांडिनी के मन में विचार आया कि क्यों ना मेरे भी आज पति होते तो मैं भी पतिव्रता नारी कहलाती, पति की सेवा करती। और पुराण अंतर्गत इनका नाम एक सांडिनी है और एक लज्जावती है। सती सांडिनी से माता अनुसुईया ने कहा कि देवी ब्रह्म मुहूर्त में तुम जाना और जो भी सर्वप्रथम व्यक्ति आपको मिले उसे मन क्रम वचन से अपना पति स्वीकार कर लेना। तो रास्ते में कुष्ठ रोगी मिला, मन क्रम वचन से अपने उस कुष्ठ रोगी के लिए पति बनाया और जब सिर पर रखकर उन्हें रात्रि कालीन सैर कराने जा रहे मांडव ऋषि सूली पर टंगे हुए होते हैं, धोखे से पैर का स्पर्श हो जाता है। महाराज के लिए पीड़ा हुई मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि जिसका भी पैर मेरे सूली पर लगा है वो मुस्कुराते ही सूर्य उदय होते ही प्राणहीन हो जाएगा। पर सती सांडिनी ने कहा कि मैं अपने पति व्रत धर्म से सूर्य को उदय ही नहीं होने दूंगी तो पति कहां से वीर गति को प्राप्त होंगे। यही कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। कहना है सती है सती सांडिनी नार कोढ़ी पति उनको मिला किया उन्हें स्वीकार। उनको स्वीकार धर्म तन मन से निभाया, आत्म श्रद्धा से सेवा करके जग में यश फैलाया। तो देखिए सांडली जाती है और मन में इस प्रकार का विचार करते हुए कि जो भी मुझे सर्वप्रथम मिलेगा मैं उन्हें अपने क्रम मन क्रम वचन से पति स्वीकार करूंगी। तो देखिए क्या होता है। जग में जहां मेरा साजन होगा Oh!
होगा। जग में जहां मेरा राजन होगा, मेरा वही जिंदगानी सुना ही जहान है। सुन सुन जिंदगानी सुना ही जहान है। सुन सुन जिंदगानी सुना ही जहान है। हर जग में मेरा हर जग में जहां मेरा साजन होगा। तो देखिए संडली के लिए सर्वप्रथम एक ब्राह्मण कुल से व्यक्ति मिलता है कि जिसके पूरे शरीर में कोढ़ होता है। चरणों में गिर जाती है, प्रार्थना करती है कि स्वामी मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। वह कुष्ठ रोगी बहुत मना करते हैं, देखो मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मुझे तुम पति ना बनाओ। और योग ऐसा होता है कि अगर योग होता है तो वह काम होकर रहता है। तो देखिए वह ब्राह्मण कुष्ठ रोगी क्या कहते हैं सांडली से, कुछ नहीं ओ कुछ नहीं तो होता जब योग ये मिल जाता है। ए मैं हूं कुष्ठ रोगी, कुछ नहीं सुहाता जब योगी ये मिल जाता है। ए मैं हूं कुष्ठ रोगी, मुझ पति ना बनाओ, जाओ 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 किसी और को बनाओ। मैं कुष्ठ रोगी जीवन क्यों दुख में बना रही हो। क्या कहते हैं, ओ मानो किस्मत वाला, हर पल रोना 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 हर पल रोना। ओ दिन में चैन रात ना सोना,
से गले ना लगाओ, ये रोग है खराब से गले ना लगाओ, रोग है खराब से गले ना लगाओ। और मैं हूँ कुष्ठ रोगी, हाँ मैं हूँ कुष्ठ रोगी, हाँ मैं हूँ कुष्ठ रोगी, मुझे पति ना बनाओ, जाओ 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 किसी और को बनाओ। मैं हूँ कुष्ठ रोगी, मन क्रम वचन से पति बना लेती है और अपने स्वामी का बोझ उठाकर अपने कंधे पर लेकर रात्रि में भ्रमण कराने के लिए जाती है। मांडव ऋषि के आश्रम पर पहुंचती कि जहां देवपन्न राजा मांडव ऋषि के लिए सूली पर चढ़ाए हुए हैं, तो रात्रि कालीन पैरे लग जाता है तो उनके लिए पीड़ा होती, तो मांडव ऋषि क्या कहते हैं, किसने ये हिलाया सूल सूल को चुभता इधर उधर, जिसने भी सुन सुन तो रोता मेरा जिगर। मांडव ऋषि ने कहा कि जिसने भी मेरी सूली को हिलाया है मैं श्राप देता हूं कि प्रातः काल सूर्योदय होते ही प्राणहीन हो जाएगा। सांडली बार बार प्रार्थना करती हैं। मांडव ऋषि ने कहा कि मेरा वचन स्वप्न में भी असत्य नहीं होता, श्राप तो लगेगा। तो पतिव्रता नारी सांडली ने भी कहा कि ये पतिव्रता सांडली भी प्रतिज्ञा करती है, हाथ में जल लेकर कहा कि जब तक मैं सूर्य को अर्घ नहीं दूंगी तो सूर्य उदय ही नहीं होंगे तो मेरे पति मरेंगे कैसे। तो देखिए आगे क्या होता है। बार बार प्रार्थना करते हैं कि स्वामी ये मैंने नहीं जाना था कि आपको श्राप लग जाएगा। ओ मैंने नहीं ये जानी रे, सैयाओ बाले मां ए मुनि वर ने मुनि बरने कैसी
तरह की एक दो दिन चार दिन हफ्ता महीने नहीं छह महीने तक सूर्य उदय नहीं हुए। स्वाहा सुधाकार बंद हो गई। ऋषि महात्मा देवता सारे लोग घबरा जाते। ब्रह्मा जी के पास विष्णु भगवान भोलेनाथ के पास सभी पहुंचते हैं। सभी ने एक साथ मना किया कि हमें सामर्थ्य नहीं कि सती के बीच में हम बोले। तो बोले फिर क्या होगा। बोले एक ही देवी सती है अनुसुईया की, जिसके पास में जाओ अगर वो माता अनुसुईया आती है तो इसका निराकरण हो जाएगा। क्या होता है अनुसुईया को बुलाया गया। अनुसुईया ने आदेश दिया सांडली सूर्य को अर्घ दो, सूर्य उदय होंगे और तुम्हारे पति प्राणहीन हो जाएंगे, पर मैं अपने पति पतिव्रत धर्म वचन से मैं पुनः जीवित कर दूंगी। यही कथा का अंजाम हुआ।